अगली खबर भी आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां इस बार केंद्र छत्तीसगढ़ से 86.53 टन चावल खरीदेगा। विधानसभा चुनाव से पहले सहमति पत्र आ गया है। केंद्र ने राज्य सरकार को सहमति पत्र भेजा है। इस बार 135 लाख टन धान का उत्पादन छत्तीसगढ़ में हुआ है। पिछले साल 104 टन खरीदा गया था धान, और इस साल जो है 86.53 टन केंद्र सरकार जो है धान खरीदेगी। खाद्य मंत्री ने 18 जुलाई को बैठक की थी और उसी के बाद जो है इस प्रस्ताव को भेजा गया था, और जिस प्रकार से धान की उत्पत्ति हुई उसमें से 86.53 टन चावल केंद्र ने खरीदने की सहमति जता दी है। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी नंदलाल, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदलाल, इस बार जो है केंद्र सरकार 86.53 टन चावल छत्तीसगढ़ से खरीदेगी, क्या कुछ जानकारी है? पिछले बार की अगर हम तुलना करें तो पिछले बार से कम चावल इस बार खरीदा जा रहा है। जी, बात दरअसल ऐसा है कि जो है पिछले वर्ष की तुलना अगर देखा जाए तो पिछले वर्ष जो है प्रति एकड़ 15 क्विंटल की धान खरीदी की जा रही थी, लेकिन इस बार जो है उसको जो है राज्य सरकार ने बढ़ा दिया है और वो प्रति एकड़ जो है 20 क्विंटल धान खरीदी करेगी। तो इस प्रकार से जो है केंद्र सरकार का भी इसमें योगदान रहता है। तो केंद्र सरकार से जो है 86.53 का जो है टन का यहाँ पर जो है खरीदी करने का जो है प्रस्ताव दिए हैं। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार जो है आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार से जो है इस बार बढ़ाया गया है। जी, आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक कि इस बार जो है प्रदेश सरकार ने भी जो है जैसे ही 5 क्विंटल जो है 1 एकड़ के ऊपर जो है किया है, इस प्रकार से जो है धान खरीदी इस बार जो है 135 जो है लाख टन की खरीदी की जाएगी, जबकि पिछले साल की तुलना करें तो 104 लाख टन खरीदी की जा रही थी। तो इस बार बढ़ोतरी हुआ है और देखा जा सकता है इस बार जो है राज्य सरकार तो सहयोग कर ही रही है किसानों के लिए, लेकिन जो है केंद्र सरकार से भी इस बार जो है अधिक जो है सहयोग राशि की जो है खरीदी करने की यहाँ पर बात चल रही है। तो केंद्र सरकार का इस प्रकार से जो है बढ़ाना उचित इसलिए माना गया है क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है, किस प्रकार से किसानों को भी साधने का प्रयास जो है केंद्र के नेतृत्व में किया जा रहा है, इस प्रकार से जो किसानों को साधने के लिए जो है धान की खरीदी जो है बढ़ाया गया है। बिल्कुल नंदलाल, और किसानों के लिहाज से भी अच्छी खबर है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब केंद्र सरकार धान खरीदती तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी आसानी हो जाती है अपना उत्पादन जो है बेचने की, और एक आय का स्रोत भी उनके लिए खुल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों को बता दें, खबर आपको बताई छत्तीसगढ़ से, जहां केंद्र ने 86.53 टन चावल खरीदने की स्वीकृति का जो है पत्र राज्य सरकार को दे दिया है।